नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, चाहे आप कोई भी सेशन का फॉर्म भरे हैं, या सेशन 2019-20 के लिए भरे हैं, या सेशन जो है 2020-21 के लिए भरे हैं, या सेशन 2021-22 के लिए भरे हैं, तो आप सभी के लिए एक बैड न्यूज है। जो भी छात्र छात्राएं इस स्कॉलरशिप का फॉर्म को भरे हैं, इसमें जो है इन सभी का रिजेक्टेड और डिफेक्टिव लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आप सभी को फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले जो है एक डेट को जारी कर दिया गया था, जो सभी इंस्टीट्यूट के लिए यहां पर जारी किया गया था। जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर क्लियर बोला गया था ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन एट इंस्टीट्यूशन सॉल्ड बी वेरीफाइड बिफोर 22/1/2022, यानी कि 22/1/2022 का एक डेट दिया गया था कि इतना तक में सभी इंस्टीट्यूट वाले जो भी पेंडिंग फॉर्म है उन सभी को वेरीफाई कर दीजिए, अदरवाइज उन सभी का फॉर्म को जो भी स्टूडेंट होगा उन सभी का फॉर्म को डिफेक्टिव या रिजेक्ट यहाँ पर पोर्टल की ओर से कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर जो है लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ था और फॉर्म में जो है भरते समय किसी भी प्रकार का गलती किए थे और डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी जो है इंस्टीट्यूट में जो है सबमिट नहीं किए थे, जिसका नाम इस लिस्ट में होगा उसको अब फाइनली स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बता देते हैं कि आप अपना जो है लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे। जिसका भी नाम रहेगा तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अगले सेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इस सेशन में आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है? यदि नहीं है तो बहुत अच्छी वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इसका नाम देखने के लिए आपको आ जाना है गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है biharscholarship.com। तो यहाँ से आपको जो है अगर मोबाइल से आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है बिहार, इस प्रकार से लिखना है स्कॉलरशिप, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखना है .com, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है। आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट का। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर हर एक स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है, सभी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर बताया गया। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिला है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिजेक्टेड लिस्ट। तो सिंपली आपको इसी वाले बटन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे करना है, नीचे करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक लिंक रिजेक्टेड लिस्ट का। तो यहाँ पर आपको सिंपली आगे देखने को मिला क्लिक हेयर का, तो सिंपली आपको इसी बटन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अब अगला पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ से आप चेक कर पाएंगे आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो को जरा भी मिस नहीं कीजिएगा, जो भी इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला आपको, देखेंगे साइड में देखने को मिला ब्लॉक नेम, तो आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है आप ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सर्च ऑप्शन के अंदर में यूजर आईडी, यदि आपको जो है यूजर आईडी पता है, हालांकि आप यदि कोई कैफे वाले से ऑनलाइन करवाए हैं तो आपको यूजर आईडी पता है, यूजर आईडी लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो यूजर आईडी यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं टेक्स्ट टू सर्च, तो यहाँ पर यूजर आईडी को डालना है। यदि आपको यूजर आईडी पता नहीं है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद सर्च वाले बटन पर सिंपली यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। टोटल अगर ब्लॉक का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपका जो है जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जिस कारण से भी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो सबका यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर का 4 डिजिट, आधार नंबर का 4 डिजिट, अकाउंट नंबर का 4 डिजिट, यहाँ पर स्टेटस में रिजेक्टेड, रीजन, सब चीज यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेन करना है, जानकारी लेना है, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इस ईमेल आईडी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर जो है बता दिया गया है आपको क्लियर। अब इसमें जो भी स्टूडेंट का नाम है, अब बात आता है क्या इसमें सुधार होगा या नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कोई भी सुधार नहीं होने वाला है, इंस्टीट्यूट चाह के भी यहाँ पर नहीं करने वाला है, क्योंकि इन सभी को जो डेट दिया गया था वो 22/1/2022 तक ही यहाँ पर दिया गया था। अब इसमें जो भी स्टूडेंट का, उन सभी को इस सेशन में तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अब अगले सेशन के लिए वेट कीजिए, अगले सेशन का जैसे स्टार्ट होगा तो हम इसके तहत वीडियो बना देंगे। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख करके अपना नाम जो है सर्च कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नए वीडियो के साथ, देखते रहिए रॉकस्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल।